हेलो एवरीवन, मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो हमें माध्य साक्षरता दर निकालनी है। क्या निकालनी है? माध्य साक्षरता दर निकालनी है, मतलब सिंपल सा है कि हमें माध्य निकालना है। तो ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास साक्षरता दर दे रखी है प्रतिशत में और नगरों की संख्या में दे रखी है। सबसे पहले हमें एक्स निकालना है। अब एक्स कैसे निकालते हैं, सबसे फर्स्ट कि एक्स कैसे निकालते हैं, अब एक्स कैसे निकालते हैं, तो दोनों जो वर्ग अंतराल के जो दोनों डिजिट है उनको प्लस कर दीजिए और उसमें आप 2 का भाग दे दीजिए। 45 और 55 को प्लस करूंगी तो 100 आएगा और 100 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। इधर 55 और 65 का 110 और तो इसका 120 आएगा और हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 60। 65 और 75 का हम 140 आएगा, भाग देने पर कितना आएगा, 70। 2 का भाग देंगे तो 70। 75 और 85 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 160 और भाग देने पर इसका आंसर आ जाएगा 80। 85 और 95 का बीच की जो संख्या है वो कितनी है, 90। तो 50, 60, 70, 80 और 90। आपको अगर सिंपली ऐसे ही पता चल रहा है कि दोनों के बीच में कौन सी संख्या है तो आपको भाग नहीं देके देखना है, सिंपल आप लिख दीजिए। ठीक है, एक्स हमने फर्स्ट हमने निकाला एक्स, ठीक है ना, एक्स हमारा निकल चुका है। अब क्या करना है, हमें डी निकालना है। अब डी कैसे निकालेंगे, एक्स में से माइनस करना है ए को। एक्स तो हमारे पास है, दिख रहा है मुझे, एक्स तो हमारे हमने निकाल लिया, बट ए क्या है, तो जो एक्स है ना, एक्स में से आपको बीच की संख्या लेनी है, तो मैं एक्स में से बीच का जो मान है 70 वो मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब x में से आपको घटाना है a को, a बराबर हमने क्या ले लिया, 70 है हमारे पास। 50 में 70 घटाओगे माइनस 20, 60 में 70 घटाओगे माइनस 10, 70 में 70 0, 80 में से 70 10 और 90 में से 70 20। ठीक है ना, ये हमारी क्या आंसर आ गया इसका। अब गुणा करना है हमें f और d को, तो d तो हमारे पास है और f है हमारे पास नगरों की संख्या, यही क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एफ है। ठीक है, दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 को 20 से किया 20 60, 10 को 10 से किया 100, ध्यान रहे यदि माइनस है तो माइनस लगा दीजिए आगे, 11 को 0 से 0, 8 को 10 से 80, 3 को 20 से 60। यहाँ माइनस वाली संख्या और यहाँ पे कितनी आ गई, प्लस वाली संख्या, 2 तो हमारे पास है माइनस की संख्या और 2 प्लस की संख्या और 1 क्या है, 0 है। अब हमें इसके अंदर 60 और 100 को, माइनस वाली संख्याओं को प्लस कर लीजिए, 60 और 100 को प्लस कीजिए और 60 और 100 को यदि हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा इसका, 160। कितना आ जाएगा, 160। ठीक है ना, 80 और 60 को यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 140। 0 का 0, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 140। ठीक है ना, और ये संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी, और ये संख्या किसकी होगी, हमारी प्लस की संख्या होगी। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 160 में से 140 घटा लेंगे तो आंसर क्या बचेगा, माइनस के 20, माइनस के 20। ठीक है ना, और इसको हम प्लस करेंगे इधर से, तो इसका क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा था 35 नगरों की साक्षरता दर है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 35। ये हो गया हमारा। अब आगे तीन चीज़ें हमें निकालनी थी, a बराबर 70, सिग्मा f बराबर 35, सिग्मा fd बराबर माइनस 20। अब क्योंकि कल्पित विधि से हम इसका सूत्र क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कल्पित विधि से माध्य, ठीक है, किससे कर रहे हैं, कल्पित विधि से माध्य, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, सिग्मा एफ डी कितना है, ए बराबर कितना है, 70, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस 20,
और सिग्मा एफ कितना है 35। 70 ऐसा कैसा है प्लस में, और काट दीजिए इसको 5 के पारे से, तो 5 चौक 20 और 5 7 35, लेकिन माइनस 4/7 आ गया हमारे पास। अब आगे तो 70 ऐसा कैसा, यहाँ प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा, 4 में 7 का भाग दे दीजिए तो 7 5 35, तो 0.5 7 7 49 0.57 कितना आया 0.57, इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसको माइनस कर दीजिए 70 में से। अब 70 में से माइनस कैसे करेंगे वो हम यहाँ करते हैं, 70 70 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 0 0 लगा दीजिए, या 0.57। 10 में 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 0 गया 9 और 6, 69.43। आंसर कितना आएगा 69.43 आंसर हो गया हमारा। कितना हो गया, क्योंकि हमें साक्षरता दर निकालनी थी और वो प्रतिशत में है, तो आगे हम क्या लगाएंगे प्रतिशत, तो 69.43 जो थी वो नगर की क्या थी, साक्षरता दर थी। ठीक है, आंसर हमारा पूरा हो गया इसका। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या आ जाए, प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।